नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूं और माय उपचार में आपका स्वागत है। गर्भाशय में बच्चा दिन में कितनी बारी हिलता है और उसकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी के दौरान ये डर हमेशा रहता है कि क्या मेरा बच्चा सही घूम रहा है, क्या मेरा बच्चा दिन में जितनी बार घूमना चाहिए उतनी बार घूम रहा है कि नहीं। नॉर्मल में देखा गया है कि जब प्रेगनेंसी में बच्चे की मूवमेंट होती है वो माँ तकरीबन 5वें हफ्ते में ही महसूस करना शुरू करती है। अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो 20 से 24 हफ्ते के बीच में आप बच्चे को मूव करता हुआ महसूस करती हैं, और अगर आपकी ये दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो कई माएँ जो होती हैं वो 16 हफ्ते यानी चौथे महीने में भी बच्चे को मूव करना महसूस कर सकती हैं। डॉक्टर नॉर्मली आपको बताते हैं कि बच्चे की मूवमेंट पे नज़र रखना है, 28वें हफ्ते से आप ये शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको उल्टे हाथ पे करवट लेकर लेटना है। इस तरह से आपने अपना हाथ पेट पे रखा है और लेटने से पहले आपने भारी खाना खाया है या आपने ऐसा कोई जूस पिया है जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अब आप ऐसे लेट कर महसूस करेंगी कि 10 बारी अगर बच्चा हिलता है तो बच्चा कितना समय लेता है। नॉर्मल में ये 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं और 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे लेटेंगी और बच्चे की मूवमेंट्स काउंट करेगी। जब आपका बच्चा 10 बारी हिल जाएगा तो वो समय आप नोट कर लेंगी। अगर ये 10 से 15 मिनट से लेकर 2 घंटे के बीच में है तो ये नॉर्मल है, इसे हम किक काउंट कहते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर आप पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं तो वो महिलाएं जो होती हैं वो बच्चे की मूवमेंट को महसूस नहीं कर पाती हैं। अगर आपका वज़न भी बहुत बड़ा हुआ है तब भी आप गर्भाशय में जो बच्चा हिलता है उसको महसूस नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी जो है 8वें और 9वें महीने में पहुंचती है उस दौरान बच्चे को गर्भाशय में मूव करने की जगह नहीं मिलती है, जगह बहुत कम रह जाती है क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। इस समय बच्चा कम हिलता है और माँ उसका हिलना महसूस नहीं कर पाती है। अगर आप इस तरह से लेटती हैं और 2 घंटे तक आपको बच्चा कम से कम 10 बारी हिलता हुआ नहीं महसूस होता है तो इस समय सही ये होता है कि आप एक बारी अपने डॉक्टर को मिलें और उनको बताएं। बट याद रहे, ये घबराने की बात नहीं होती है। नॉर्मल में कई बारी ऐसा हो जाता है क्योंकि गर्भ में बच्चा आधे घंटे से पौने घंटे के लिए सो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसा करने से पहले कोई अच्छी तरह से पेट भर खाना ना खाया हो या आपने कोई जूस या शुगर वाली ड्रिंक नहीं पी हो, तब भी बच्चा सुस्त हो जाता है और हिलता नहीं है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको एक बारी डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर तकरीबन इस समय एक NST टेस्ट करते हैं, इसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं, और इससे डॉक्टर ये जान लेते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, बच्चे को पूरी तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल माय उपचार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर इस वीडियो में आपको मैंने जो भी बताया, अगर इस सिलसिले में आपके मन में कोई भी कमेंट या कोई भी प्रश्न आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।